एक तरह से कहें कि बर्बाद करने की दृष्टि पैदा करते हैं, दूसरी तरफ समाज में उत्थान की दृष्टि पैदा करते हैं। तो हम ये दो शब्दों को हम साधारण रूप से इसी रूप में रख सकते हैं कि भिक्षु जहाँ ज्ञान का प्रतीक है, साधु वहीं अंधकार का प्रतीक है। नमस्कार, मैं हूं जोशी कुमार, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर शतन कुमार, इग्नू के वरिष्ठ प्रोफेसर। आज हम इनसे बात करेंगे साधु और भिक्षु के अंतर के बारे में। ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक है। दरअसल साधु और भिक्षु ये दो चिंतन धाराओं के शब्द हैं, दो परंपराओं के शब्द हैं और दो विचारधाराओं के शब्द हैं। साधु कहते हैं हमें किस तरह का आकार हमारे सामने खड़ा होता है। अगर हम किसी व्यक्ति से जब ये बात पूछते हैं कि साधु आ रहा है या हम कहते हैं भिक्षु जा रहे हैं, तो ये अचानक हमें निश्चित रूप से अगर किसी ने देखा भी नहीं तो उसे तुरंत एक आकार उसके मन के अंदर उभर कर सामने आ जाता है। साधु का स्वरूप निश्चित रूप से बड़े बड़े केस बहुत सारे, और हम ये भी देखते हैं और लगभग सभी लोग बचपन से ये जानते होंगे कि छोटे बच्चों को अचानक अगर कभी डराने के लिए कोई बात कही जाती थी कि बाबा आ जाएंगे, साधु आ रहा है, साधु पकड़ कर ले जाएगा, बसुरिया बाबा आ रहे हैं पकड़ कर ले जाएंगे, और इस तरह से बहुत सारे नाम, बहुत जगह पर बहुत तरह के नाम होते हैं और एक निश्चित रूप से एक भय का वातावरण बन जाता है और बचपन से इस तरह का वातावरण बनता है। और जैसे जैसे हम बड़े भी होते जाते हैं तो वो धारणा हमारे अंदर घर कर जाती है और यही धारणा आगे चलकर कुंठा का रूप धारण कर लेती है। और इस तरह की कुंठा होने से एक लगातार वो बढ़कर इस रूप में हो जाता है कि फिर हमें उसे वापस निकाल नहीं सकते हैं। और यही डर और भय बचपन से शुरू होकर हमें बहुत ऊंचाई तक, जो बापू तक पहुंच जाता है। जब मैं ये कहूं, और आज दुनिया जानती है कि बहुत सारे बाबा पकड़े जा रहे हैं और सबसे बड़ा नाम तो आशाराम बापू का आपने सुना होगा, और आश्चर्य की तो बात ये भी है कि आशाराम बापू के दरबार में बहुत बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री तक मत्था टेकने जाते हैं। तो ये बापू, बाबा, साधु, ये एक पूरे का पूरा एक चैनल है, पूरे की पूरी एक श्रृंखला है जो समाज में भय पैदा कर और लोगों को गुलाम बनाकर, लोगों की मानसिकता को दबाकर, लोगों की मानसिकता को गुलामी में परिवर्तित करके समाज को अंधकार की ओर ले जाने का ही नाम है। और हम ये देखते हैं कि ये साधु और बाबा और अंतक बापू, इन लोगों के पास बहुत बड़ी संख्या में लोग भक्तगण होते हैं, श्रद्धालु होते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं। और ये एक बहुत बड़ी संख्या, मैं यहाँ ज़रूर खुलासा करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं बहुत बड़ी जनसमाज पर। और जब चुनाव होता है या किसी तरह की ऐसी बातें होती हैं तो उस समय इनका बहुत उपयोग किया जाता है। यानी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो किसी नेता के पक्ष में वोट दिलवा सकता है। ये हमें जानना समझने की बहुत ज़रूरत है, समाज को, बहुजन समाज के लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि एक तरह से आप अनजाने में अपनी गुलामी को अपने साथ ढोते हैं। तो एक तरफ साधु और बापू और इस तरह के बाबा का जो स्वरूप है पूरे भारत में, अब तो विशेषकर जब वो उनके सारे कच्चे चिट्ठे खुलते जा रहे हैं और उनके सारे जो आश्रम हैं पकड़े जा रहे हैं, और उनमें जो इतनी सारी बातें आ चुकी हैं समाज के सामने कि समाज को जागने की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर पुनः यहाँ दोहराना चाहूँगा कि साधु, बापू, बाबा
ये लोग आज भी असंख्य लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, और इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और इसमें मैं इसी मानसिकता को जोड़ना चाहूँगा कि बचपन से जो भय, बचपन से जो मानसिकता बना दी जाती है भय की, ये करने से ये हो जाएगा, ये ना करने से ये नहीं होगा, ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं और अंत तक, जीवन के अंत तक जाती है। और फिर यही पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि जैसा घर का वातावरण होता है वैसा उसी तरह का वातावरण बच्चे देखते हैं और फिर उसको ही फॉलो करते हैं, उसको ही वो ले जाते हैं, सस्टेन करते हैं, लगातार यही विचारधारा आगे जाती है और एक भयानक रूप ले लेती है। दूसरी तरफ मैं भिक्षु की बात करना चाहूँगा। भिक्षु एक बहुत बड़ी विचारधारा, बहुत बड़ी परंपरा, बहुत बड़ी चिंतन से जुड़कर है। भिक्षु जब हम कहते हैं तो इसका सीधा सीधा संबंध बौद्ध धम्म से है। बौद्ध धम्म में जीवन के सारे पचड़ों से हटकर जो व्यक्ति जाता है और उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिसमें वो ज्ञान प्राप्त करता है, जनता के बीच जाकर और साधना करके और बहुत तरह की ऐसे कठिन तपस्या उसे कह लें कह के वो भिक्षु बनता है। और अगर हम सामाजिक रूप से देखना चाहें तो भिक्षु का स्वरूप भी हम देखेंगे कि चीवर धारी होते हैं और बिल्कुल सिर में जरा सा बाल नहीं होता है। एक तरह से वो जिस दिन केस उतार देते हैं उस दिन से वो समाज से बिल्कुल कट जाते हैं। यहाँ केस उतारने का मतलब ही होता है वो समाज से बिल्कुल इस रूप में कट के जो मोह माया है, जो लिप्सा है, जो लस्ट है, उससे बिल्कुल हटकर होते हैं। और लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारी मोह माया से हटकर भी वो समाज से सीधे तौर से जुड़े होते हैं, क्योंकि वो समाज से इस रूप में नहीं है कि वो समाज में जो एक साधारण व्यक्ति जो जीवन जीता है, जिस तरह का उसका जीवन पारिवारिक और समाज के हर संबंध से जुड़कर, बहुत सारे चीज़ों से जुड़कर होता है, वो बिल्कुल उससे अलग होता है। लेकिन समाज को सही राह दिखाने के लिए, समाज में ज्ञान फैलाने के लिए, समाज में वैज्ञानिक उन्नति के लिए, समाज में वैज्ञानिक चिंतन के लिए वो इस काम को करता है। और समाज में जब वैज्ञानिक चिंतन आता है तो इससे व्यक्ति का और समाज का विकास होता है और यही विकास आगे चलकर समाज को आगे ले जाता है। और भिक्षु का काम यही होता है। और भिक्षु अपने ज्ञान से लोगों में चेतना जगाते हैं, लोगों में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और अंततः वह एक सभ्य और ज्ञानी व्यक्ति के निर्माण में योगदान देते हैं। और इस रूप में हम देखते हैं कि भिक्षु एक बहुत बड़ी परंपरा से, जिसे मैं अगर ये कहूँ और मेरी एक कविता में है दो एक भारत और भी, तो हमारे देश में ये देश भारत देश है जिसमें दो चिंतन धाराएं लगातार चलती रहीं। एक चिंतन धारा की तरफ अंधकार है, दूसरी चिंतन धारा की तरफ प्रकाश है। एक चिंतन धारा में लोगों के विकास का राह खुलता है, दूसरे में उस विकास के राह को अवरुद्ध करने की बात की जाती है। और इसी अंतर को हम साधु बापू या बाबा में हम देख सकते हैं और भिक्षु में देख सकते हैं। और इसलिए समाज को हमें, और विशेष रूप से बहुजन समाज को, यहाँ के मूल निवासियों को ये जानना होगा कि ये भिक्षु किस परंपरा के हैं और ये साधु किस परंपरा के हैं, जो अंततः बाबा का, बापू का रूप लेकर समाज को किस रूप में बरगलाते हैं, किस रूप में समाज की औन्नति को ही ओर ले जाते हैं और अंततः समाज के सभी वर्गों को वो एक तरह से कहें कि बर्बाद करने की दृष्टि पैदा करते हैं, दूसरी तरफ समाज में उत्थान की दृष्टि पैदा करते हैं। तो हम ये दो शब्दों को हम साधारण रूप से इसी रूप में रख सकते हैं कि भिक्षु जहाँ ज्ञान का प्रतीक है, साधु वहीं अंधकार का प्रतीक है। धन्यवाद प्रोफेसर कुमार, आपने बहुत ही साधारण तरीके से एक साधु और एक भिक्षु के बीच में जो अंतर है उसे हमें समझाया। धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।